हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और मैं हूं विजेंदर सिंह और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल और लोग मुझे प्यार से जानते हैं राजगुरु जी के नाम से। और दोस्तों, ये आज वीडियो है वो स्कूल रीओपन होने के बारे में है और मैं इस प्रकार की वीडियो बना के थक चुका हूँ। कई बार मैंने वीडियो बनाती और हर बार एक वीडियो के अंदर नई जानकारी देता हूँ कि अब जो स्कूलें हैं रीओपन है वो राजस्थान में इस डेट से होने वाली है। और जैसे कोई नई वीडियो बनाते हैं तो सरकार का एक नया आदेश आ जाता है और अब एक नया आदेश और आ गया है। अब राजस्थान के अंदर 15 जनवरी 2021 तक स्कूलें हैं वो रीओपन नहीं होंगी, यानी 15 जनवरी 2021 के बाद ही राजस्थान में स्कूलें हैं वो रीओपन होंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने यह फैसला वो ले लिया कि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार का जो शैक्षणिक जो संस्थाएं, चाहे वो कॉलेज हो, महाविद्यालय हो या फिर स्कूल हो, वो ओपन नहीं होने वाली हैं। तो इस तरह की न्यूज दे दे के मैं खुद भी थक गया हूं और जितने भी हमारे स्कूल साथी हैं, स्टूडेंट हैं, अभिभावक हैं, ये सुनकर भी उनके कान है वो पक गए हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर 4 जनवरी 2021 से स्कूलें हैं वो रीओपन होने वाली हैं। और भैया, आज 4 जनवरी 2021 है और यहां देखने में आया और सुनने में यह आया है कि राजस्थान के अंदर लगभग 70% जो स्कूलें हैं वो 4 जनवरी 2021 को है वो रीओपन हो गई हैं। अब मामला क्या है उसे आप समझिए। देखिए, एक तरफ राजस्थान सरकार ये कह रही है कि 15 जनवरी 2021 तक है राजस्थान के अंदर स्कूलें हैं वो नहीं खोली जाएंगी, और दूसरी तरफ जितने भी अपने प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उन्होंने पहले ही ये ऐलान कर दिया था 28 दिसंबर 2020 को, और अपनी गवर्नमेंट को, हर एक जिला कलेक्टर को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम सरकार 4 जनवरी 2021 को स्कूल खोले या न खोले, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं राजस्थान के अंदर 4 जनवरी 2021 को स्कूल खोलेंगे। और अपने इसी वादे पे चलते हुए तकरीबन अपने राजस्थान में जो प्राइवेट जो स्कूलें हैं वो रीओपन हो गई हैं। लेकिन यह मामला थोड़ा सा और भी पेचीदा हो गया, क्योंकि एक तरफ तो सरकार है वो मना कर रही है कि भी 15 जनवरी 2021 तक स्कूल अपन नहीं खोलने वाले हैं, और दूसरी तरफ अपने जो प्राइवेट स्कूल संचालक साथी उन्होंने हट लगा लिए, क्योंकि सरकार है वो इन बच्चों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हम बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेंगे और हम 4 जनवरी 2021 से ही स्कूल वो ओपन करेंगे। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान के अंदर 4 जनवरी 2021 को लगभग स्कूल वो ओपन हो गई, लेकिन यहाँ पे सरकार है वो कार्रवाई कर सकती, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया था कि 4 जनवरी 2021 से स्कूलें हैं वो रीओपन होंगे। हाँ, ऐसा जरूर कहा था राजस्थान सरकार के द्वारा, जब शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार की बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे कि 4 जनवरी 2021 से जो स्कूलें हैं वो रीओपन होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए अब सरकार की तो मति है वो मारी गई है, और कुछ अभिभावक हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि स्कूलें रीओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो काफी सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने ये कहा कि स्कूलें हैं वो दोबारा रीओपन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी है तो ऐसे में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, महामारी है वो बढ़ भी सकती है, तो ऐसे में स्कूलें हैं वो रीओपन नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए अब सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अपने इंडिया के अंदर जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगभग तैयार हो चुकी है और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उस वैक्सीन को है वो परमिशन है वो भी दे दी, तो ऐसे भी अब देखते हैं कि ये जो वैक्सीन है वो कहां तक काम करती है और सरकार इसके पीछे क्या सोचती है। लेकिन मुद्दे की बात पे आए तो भैया देखिए, अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए यहां पे राजस्थान सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि राजस्थान के अंदर 15 जनवरी 2020 तक स्कूलें हैं वो ओपन नहीं की जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट की जो समस्या है विषय संबंधी, सब्जेक्ट संबंधी, यदि किसी टॉपिक संबंधी, तो वो अपने अभिभावक की अनुमति से स्कूल में आके समस्या का समाधान है वो करवा सकता, लेकिन पूरी तरह से वो स्कूल है वो नहीं आ सकता, क्योंकि स्कूलें तो ओपन ही नहीं हो रही। तो दोस्तों, आपको ये बताना है क्या इस तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा दिन प्रतिदिन स्कूलों को ओपन करने की जो डेट बढ़ा रही है वो सही है या फिर गलत है, कमेंट में अपनी राय हो जरूर बताना। और आपको साथ में ये भी बताना है
कि अपने राजस्थान के जितने भी प्राइवेट स्कूल संचालक साथी हैं जिन्होंने 4 जनवरी 2021 से स्कूलें हैं वो रीओपन कर ली और अपनी पढ़ाई है वो रेगुलर करवाने की बात वो कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या उन्होंने सही किया या फिर बच्चों के लिए कुछ अलग वो करने जा रहे हैं या बच्चों के साथ ये खिलवाड़ तो नहीं होगा या फिर उनका भविष्य वो बनेगा, इसके पीछे आपकी क्या राय है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने भी अपने स्कूलों को आज से यानी 4 जनवरी 2021 से ओपन किया है तो इसके लिए आपने अपने स्कूल में कोरोना के बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, अगर आपने कोई व्यवस्थाएं की हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी व्यवस्थाएं मुझे अच्छी लगी तो यार आगे की वीडियो के अंदर आपको हाईलाइट है वो जरूर करूंगा कि कौन कौन स्कूल साथी ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्कूल में क्या व्यवस्थाएं कर रखी। एक बढ़िया सी जो पिक है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, अपने स्कूल पूरी डिटेल के साथ आप मुझे भेजिएगा जो मुझे अच्छी लगेगी, अगली वीडियो के साथ मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूंगा। तो बस दोस्तों बात तो मैं आपको यही कहने वाला था और जानकारी भी यही देने वाला था लेकिन मैं खुद पक गया हूं। अब मुझे ही ये रास नहीं आ रहा कि यार मैं ये वीडियो बनाऊं इस प्रकार की नहीं बनाऊं, मैं खुद ही कंफ्यूज होता जा रहा हूं, लेकिन फिर अंत में ये सोचा क्यों ना यार अपने दोस्तों से बात कर ले और कुछ राय है उनसे भी ले ले। तो बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।